आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चारा घोटाले के पांचवें मामले डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। बता दें कि लालू समेत कुल 75 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है और अब इस पूरे मामले में लोग ये जानना चाहते हैं कि जब 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा तो क्या दोबारा लालू प्रसाद यादव को जेल जाना होगा। एक्सपर्ट से मिल रही जानकारी के हिसाब से पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर लालू को सजा हुई और कितने साल की सजा हुई तो उस लिहाज से लालू को अगले कितने दिन जेल में गुजारने होंगे। बता दें कि फिलहाल लालू पुलिस हिरासत में हैं और मेडिकल ग्राउंड पर रांची के रिम्स में उनको शिफ्ट किया गया है। बता दें कि अब तक चारा घोटाले के कुल मामले में 36 महीने 19 दिन लालू प्रसाद यादव जेल में बिता चुके हैं और अगर सोमवार को सजा का ऐलान हुआ और लालू को 6 साल से ज्यादा की सजा हुई तो लालू को 6 महीने और जेल में बिताने होंगे और उसके बाद लालू आगे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं। वहीं अगर लालू प्रसाद यादव को 5 साल या उससे कम की सजा हुई तो पहले काटी गई सजा के आधार पर लालू को जमानत मिल जाएगी। उस लिहाज से लालू को कुछ हफ्ते यानी कि लालू को 2 से 3 हफ्ते जेल में गुजारने होंगे। बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े कुल 5 मामले हैं जिस पर लालू दोषी करार दिए गए हैं और इससे पहले 4 मामलों में हर मामले पर अगर हम गौर करें तो किसी भी मामले में लालू को 3 साल से कम की सजा नहीं हुई है और कुल अगर हम देखें तो अब तक लालू को 27 साल से अधिक की सजा हो चुकी है। लालू अपनी जमानत के लिए दलील ये देते हैं कि जो सबसे लंबी सजा है उतनी सजा वो काट चुके हैं और ऐसे में हर मामले में अलग अलग उनको सजा दी गई है और ऐसे में अलग अलग हर सजा को जेल में काटना उनके लिए मुश्किल होगा, ये लॉजिकल नहीं है, इसलिए उनको रिहाई मिल जानी चाहिए। लेकिन पूरे मामले पर देखना होगा कि सोमवार को आखिर फैसला क्या आता है और अहम सवाल ये है कि अगर 6 साल से अधिक की सजा हुई तो अब तक बाहर घूम रहे लालू प्रसाद यादव जो फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं उनको फिर से एक बार जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव बिहार के कद्दावर नेता हैं। चारा घोटाले में नाम आने के बाद लगातार कोर्ट कचहरी के मामलों में वो फंसे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि सियासत में वो सक्रिय हुए थे लेकिन एक बार फिर से कोर्ट कचहरी के जंजाल में फंसने के बाद लालू प्रसाद की सियासत अपने अंतिम पड़ाव पर है, ऐसी भी बयानबाजी चलनी शुरू हो गई है। चलिए इंतजार है सोमवार का, देखते हैं कि सोमवार को आखिर क्या सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाई जाती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।